ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज रिपोर्ट सौंप दी गई है। अब रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा, लेकिन दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं। मुस्लिम पक्ष वजूखाना बता रहा है तो हिंदू पक्ष उसे शिवलिंग। इसी बीच हिंदू पक्ष ने दो ऐसी मांगे कर दी हैं जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है, और ऐसा कहा जा रहा है कि अगर कोर्ट इन दो मांगों को मान लेगा तो सारा विवाद ही खत्म हो जाएगा। दरअसल हिंदू पक्ष के दो वकील हरिशंकर जैन और विष्णु जैन मीडिया के सामने आए, उन्होंने दो नई मांगों का जिक्र किया। हरिशंकर जैन ने कहा, जहां शिवलिंग मिला है उसके नीचे तहखाने का सर्वे कराया जाना चाहिए, सामने की दीवार को साफ करके अच्छे तरीके से वीडियोग्राफी होनी चाहिए। हमें उम्मीद है कि कोर्ट हमारे इस प्रार्थना पत्र पर तथ्यों और साक्ष्य के आधार पर फैसला सुनाएगा। वहीं विष्णु जैन ने कहा, ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में मिले शिवलिंग को दूसरा पक्ष फव्वारा कह रहा है, अगर ऐसा है तो वह फव्वारा चलाकर दिखा दे। फव्वारा है तो वहां वाटर सप्लाई का पूरा सिस्टम भी होगा, ऐसे में प्रतिवादी पक्ष को जांच पर एतराज क्यों है। उन्होंने यह भी दावा किया कि नंदी महाराज के सामने से व्यास जी के कक्ष से शिवलिंग तक का रास्ता जाता है, कोर्ट से वहां खुदाई कराने की मांग की गई है। तो इस तरह से ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर माहौल बिल्कुल गरमाया हुआ है। उधर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी अपनी लीगल टीम बना चुकी है, जो मस्जिद के ताल्लुक से सारे सबूत और दलील के साथ कानूनी लड़ाई लड़ेगी। अब देखना यह होगा कि किसके सबूत में कितना दम है, क्योंकि कोर्ट में जीत उसी की होती है जिसके पास सबूत होता है। इसलिए न्यायालय को कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं बल्कि कोर्ट ऑफ लॉ कहा जाता है, जहां तमाम कानूनी प्रक्रिया से गुजरते हुए फैसला सुनाया जाता है।